दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास में 2 फुट बाई 9 फुट का एक टफन ग्लास, और इस पर हमने एचिंग डिज़ाइन जो है वो करना है। और ये आप देख सकते हैं, इस पर पूरी जो टेपिंग है वो हो चुकी है, जो डिज़ाइनिंग की टेपिंग है वो हो चुकी है, और अभी जो हमें डिज़ाइन निकालना है तो उसको रिमूव किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा हमारी टेपिंग है तो उसको रिमूव जो किया जा रहा है। उसके बाद में जो बचा हुआ डिज़ाइन है उसको फ्रॉस्ट किया जाएगा। फ्रॉस्ट होने के बाद में जो पूरा इसका लुक निकल करके आएगा एचिंग का, तो वो आप जो है पूरी लास्ट तक वीडियो में देखते रहेंगे। पूरा मैं शुरू से आखिर तक आपको दिखाऊंगा कि किसी भी टफन ग्लास पे या नॉर्मल कच्चे ग्लास पर जो फ्रॉस्ट जो है वो कैसे किया जाता है या डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए जो इसमें डिज़ाइन निकलना है दोस्तों, तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है टेपिंग का वो हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, जो एक्स्ट्रा टेपिंग थी वो पूरी तरीके से रिमूव जो है वो कर दी गई है, और जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं तो इसके बाहर बाहर का एरिया सारा वो जो है वो फ्रॉस्ट किया जाना है, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हमारा जो ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है अभी टेपिंग जिस पर दिख रही है, तो उसके बाद में इसको रिमूव किया जाएगा और फाइनल हमारा डिज़ाइन निकल करके आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बिल्कुल क्लोजली दिखा रहा हूँ क्योंकि ये टफन अभी जो है वो शीशे दोनों उल्टे रखे हुए हैं, तो इसलिए आपको डिज़ाइन जो है वो नीचे की तरफ दिख रहा होगा। तो मैं बिल्कुल क्लोजली आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा फाइनल डिज़ाइन निकल करके आएगा जब फ्रॉस्ट होने के बाद में। पहले इसको जो है वो फ्रॉस्ट किया जाएगा, और फ्रॉस्ट भी कैसे किया जाएगा वो भी आगे मैं आपको जो है दिखाऊंगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये गिलास को जो है वो फ्रॉस्ट किया जा रहा है, जो डिज़ाइनिंग आनी है दोस्तों वो फ्रॉस्ट होने के बाद में, ये टेपिंग रिमूव करने के बाद में पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो आएगी। जो भी डिज़ाइन बना हुआ है इसकी लीफ वगैरह या जो भी कुछ आप इस पर डिज़ाइन देख रहे हैं पेड़ का, तो उसको रिमूव किया जाएगा टेपिंग को फ्रॉस्टिंग होने के बाद में। अभी देखिए ग्लास पर किस तरीके से फ्रॉस्टिंग की जाती है रेत से, तो वो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म से बेहतर रहता है कि आप फ्रॉस्टिंग कराएँ, वो लाइफ टाइम आपकी रहेगी, और फिल्म आप गिलास पर चढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा मतलब काफ़ी कुछ टाइम बाद फिल्म जो है वो छूटने लगती है या ख़राब होने लगती है, लेकिन अगर आप फ्रॉस्टिंग कराएंगे तो लाइफ टाइम आपकी जो फ्रॉस्टिंग बनी रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं फ्रॉस्टिंग किस तरीके से की जा रही है, मैं टाइम लैप्स करके पूरी वीडियो आपको जो है दिखा देता हूँ, उसके बाद में फाइनल डिज़ाइन जो हमारा निकल करके आएगा उसकी भी वीडियो मैं आपको इसी में जो है दिखाऊँगा।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा ग्लास जो है वो फ्रॉस्ट हो चुका है। डिज़ाइन के जो बाहर का पार्ट था वो सारा हमारा जो अभी पूरा फ्रॉस्टिंग जो हो चुकी है। उसके बाद अब इसकी जो टेपिंग छुटाई जाएगी यानी टेपिंग जो रिमूव की जाएगी वो आप यहाँ पर देखिए, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लोजली दिखा रहा हूँ, सारा वर्क बिल्कुल क्लोजली दिखाऊंगा और डिज़ाइनिंग भी आगे आप जो है देखेंगे कि टेपिंग हटने के बाद में पूरा डिज़ाइन जो है कैसे निकल कर आता है। तो चलिए दोस्तों अभी जो टेपिंग रिमूव करना शुरू करते हैं।